भाइयों बहनों, जब छपरौली की बात होती है तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी भी याद आते हैं। चौधरी साहब ने यहां की चीनी मिल के पुनरुद्धार का सपना देखा था 1980 में, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया था। जब आपने सहेंद्र सिंह रमाला जी को विधायक बनाया और डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद बने, तो इन दोनों ने जब प्रयास किया तो चौधरी साहब तो ये बोलते थे कि इस चीनी मिल का थोड़ा पुनरुद्धार हो जाए, हमने यहां पर नई क्षमता के साथ एक नई चीनी मिल ही दे दी है और नई चीनी मिल यहां के किसानों की सेवा कर रही है। भाइयों बहनों, पूरा महादेव की जब मैं चर्चा कर रहा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की चर्चा भी होती होगी, याद करिए। पहले कावड़ यात्रा पर रोक लगती थी और समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इन निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है और दंगों में मारे गए निर्दोष सचिन हो या फिर गौरव या फिर यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए तो खतरे थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 2017 के पहले का क्या दृश्य था। और मुलायम सिंह जी कहते थे ये तो नौजवानों से गलती हो जाती है। बेटी की सुरक्षा खतरे में है, बेटी को कोई भी मां बाप चाहता है कि अपने संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो इनकी संवेदना बेटियों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, आधी आबादी के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना नौजवानों के प्रति भी नहीं थी, याद करिए। भाइयों बहनों, जब भर्ती निकलती थी ना तो उस भर्ती में आपके छपरौली से आपके बागपत के नौजवान भर्ती नहीं होते थे। सब सिपाही खानदान अपने यहां से पैसा ले लेकर के भर्ती करवाता था और हमारी सरकार बनी
अकेले बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान पुलिस में भर्ती हुए थे। मैं आया था डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के साथ। यहां का नौजवान क्यों भर्ती नहीं होगा? दिन रात दौड़ता है, मेहनत करता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, और जब पुलिस में भर्ती के लिए जाता था तो उसको बागपत के नाम से बाहर कर दिया जाता था। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि भाई देखो, बसपा के लिए बुआ और भतीजाई परिवार होगा, बुआ और भतीजाई परिवार होगा, दोनों में सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देते हैं। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे? ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार भी एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है, एक कानून का राज, और थोड़ी भी किसी संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस दो, अब सब्जी बेच करके ही खानदान की परवरिश करूंगा। क्या ये हिम्मत है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में कि इन गुंडों से इस प्रकार की भीख मंगवा सके? नहीं है, नहीं कर सकते। ये दल तो इन माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं, और इसीलिए माफिया और अपराधी सिर चढ़ करके प्रदेश की जनता का जीना हराम कर दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम कर दिया। पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो, कावड़ यात्राओं पर पुष्प वर्षा करना। लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। भाइयों बहनों, पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी, और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। दिल्ली में जब दंगा हो गया तब भी यहां दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि मालूम था यहां दंगा करेंगे तो पूरा सब कुछ बिक जाएगा, गोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर सके। उत्तर प्रदेश अब प्रगति करेगा, हाईवे ऐसे बनेंगे जैसे आपके सामने हाईवे बन रहा है। ये हाईवे भी तो सपा ने रोका हुआ था, नहीं बनने दे रही थी। भारत सरकार पैसा देना चाहती थी और सपा इसलिए नहीं बनने देना चाहती थी क्योंकि वो अपना मनपसंद ठेकेदार नहीं दे पा रहा था। आपके रमाला जी भी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी भी परेशान थे, कहते थे इस सड़क कैसे बने सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक। मैंने जब इसकी जांच की तो पता लगा कि सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपए का एक वो बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा जनता का इसमें क्या दोष है? कहा साहब 800 करोड़ कौन भरेगा? मैंने कहा भाई देखो 800 करोड़ कोई नहीं भरेगा, मैं भरूंगा, चिंता मत करो, लेकिन सड़क नहीं रुकनी चाहिए। भाइयों बहनों, कार्य करने के लिए दम चाहिए।
अपराधियों के सामने दुम दबा करके जो लोग घिघियाते थे वे सत्ता का संचालन नहीं कर सकते, वे लोग उनको बोलो वे अपने परिवार का ही संचालन कर ले। उन लोगों को सत्ता से दूर ही रखना, और सत्ता से दूर जैसे कोयले को चिमटा पकड़ करके दूर किया जाता है ना, क्योंकि हाथ से चोबे तो हाथ जलाएगा या गर्म होगा तो हाथ जलाएगा, और अगर बुझा होगा तो हाथ को काला करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा और उसके गठबंधन को वोट देने का मतलब जो निर्दोष लोग मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए थे उनका अपमान करना होगा। उस समय कहां चले गए थे लोग, जब दंगे हो रहे थे तब इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था, और चीनी मिल भी नहीं लगा पा रहे थे, किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं कर रहे थे, किसानों की उपज को भी नहीं खरीदते थे, नौजवानों को नौकरी भी नहीं देते थे, बेटियों को सुरक्षा भी नहीं देते थे, कांवड़ यात्रा भी नहीं होने देते थे, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी नहीं होने देते थे। और इसीलिए भगवान कृष्ण उनके सपने में आके कोसते होंगे, कहते होंगे अरे कैसे व्यक्ति हो भाई, कुछ तो लोक लाज कर लो, जब सत्ता सौंपी थी तो मेरी कोसी कला में दंगा करवाते थे, जब सत्ता सौंपी थी तो जवाहर बाग की घटना करवाते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, जब सत्ता मिली बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, और फिर अब जनता को गुमराह कर रहे हो कि भगवान कृष्ण मेरे सपने में आएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कृष्ण भक्त तो हम लोग हैं, भगवान कृष्ण तो हमारे सपने में जरूर आएंगे, वहां तो कंस ही जरूर आएगा। कंस भी इस बात के लिए तरस रहा होगा कि मेरा भी कोई अवतार चलो हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों देखिए, सरकार जब बनती है कैसे गरीबों के हित के लिए कार्य होते हैं। ये तीनों दलों में होड़ लगी है, किस बात की होड़ लगी है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट दे दे, कांग्रेस में सपा में बसपा में, एक एक ढूंढ ढूंढ करके लाई जा रहे हैं। विकास उनका एजेंडा नहीं है, कहते हैं हम बिजली फ्री दे देंगे। अरे तुम्हारे यहां तो बिजली नहीं आती थी क्या, सपा की सरकार के समय बिजली मिलती थी क्या, उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या, कोई विश्वास करते हैं, वे तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, ये बिजली उनको कहां से अच्छी लग जाएगी। आज तो गांव-गांव में जब बिजली जलती है 24 घंटे बिजली जलती है, पहले हमारे किसान भाइयों के यहां अन्नदाता किसान के खेत से पंपिंग सेट भी चोरी हो जाता था, आज कोई चोरी करने का तो साहस करेगा, आज तो नहीं करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों कहते हैं हम ये करेंगे, अरे जब मौका मिला था तब क्या किया था तो बताओ। चर्चा तो तीनों सरकारों को करना चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी 4 बार की क्या किया, बहुजन समाजवादी पार्टी 3 बार की उसने क्या किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस का पूरा कार्यकाल समाजवादी पार्टी के 4 बार के कार्यकाल, बहुजन समाजवादी पार्टी के 3 बार के कार्यकाल को जोड़ लो, जितना वह जोड़ करके आता है अगर उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, तो भाइयों बहनों में वोट मांगने नहीं आऊंगा। हमने तो 45 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है, पहले मुख्यमंत्री बनते थे मंत्री बनते थे अपने लिए आवास बनाते थे, गरीब की चिंता नहीं करते थे, हमें मौका मिला
हमने कहा नहीं, मुख्यमंत्री का तो कोई भी नहीं, मेरे ने तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता परिवार है, लेकिन प्रदेश के गरीबों का मकान बनना चाहिए। 43 लाख गरीबों का एक एक मकान बना के दिए हैं। भाइयों बहनों, मजरे मजरे में विद्युतीकरण का काम करवाए हैं 1,21,000 मजरों में, और फिर 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दिए हैं। 1,56,00,000 गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,00,00,000 वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा हम लोग दिए हैं। 9,00,00,000 गरीबों को 5,00,00,000 रुपए की साल में स्वास्थ्य की गारंटी का कार्ड उपलब्ध करवाए हैं। कहीं भी जाएंगे वो कार्ड से उनका उपचार हो जाएगा। और 15,00,00,000 गरीबों को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सरकार है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में जेवर में हम लोग बना रहे हैं। यहां से बैठिए, दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कुछ ही घंटे में कर लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे आपके बगल से बना रहे हैं हम लोग, मेरठ से सीधे प्रयागराज तक। सुबह जाइए और स्नान करके प्रयागराज संगम में स्नान करके शाम को अपना घर वापस आइए। समाजवादी पार्टी तमंचों की फैक्ट्री लगाती थी, हमने उसको बैन करके कहा नहीं, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर तो बनेगी जो पाकिस्तान की सीमा पे गड़गड़ाएगी, पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे भारत के जवान, बागपत में पैदा हुआ जवान पाकिस्तान के अंदर में जाकर के दुश्मनों की छाती में मूंग दलने का काम करेगा। वो तो यहां बनेगी यूपी में। सपा के मुखिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो सर्टिफिकेट पाकिस्तान को देता है, वो गन्ना की चिंता नहीं करता, जिन्ना की उनको चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, वहां विकास के नाम पे क्या होता था? आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा, और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के 700 मंदिर या धाम, इनके लिए पैसा देकर के इनका सुंदरीकरण का कार्य किया गया है। कैसे विकास होता है, ये विकास का मॉडल है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, सहेंद्र सिंह रमाला जी ने छपरौली की चीनी मिल लगाने के लिए सरकार के साथ कहा था। इन्होंने कहा था उस समय कि साहब, चौधरी साहब को नहीं आई हूं, चौधरी साहब ने 1980 में कहा था कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए। सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी दल आ गए, कोई नहीं कर पाया। लोक दल भी उनके साथ था, तब भी नहीं कर पाए, चौधरी साहब का सपना नहीं पूरा कर पाए। इन्होंने कहा कि सरकार में दम है तो सरकार दिखा दे अपना दम, और फिर अगर सरकार हमारे यहां के किसानों का इस कार्य को करती है तो मैं भी बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फिर आगे की राजनीति करूंगा। और भाइयों बहनों, हमने कहा भी ये तो अन्नदाता किसानों का मामला है, ये हम करेंगे, आपने सांसद जी को ही बुलवाइए।
नई चीनी मिल लगा दी आपके रमाला में, ये सामने दिखाई दे रही थी, मैं जब आ रहा था सामने चीनी मिल दिखाई दे रही थी, मैं आया था उद्घाटन के समय में भी। और भाइयों बहनों, चौधरी साहब के सपने को सही मायने में साकार डॉक्टर सत्यपाल सिंह और श्री सहेंद्र सिंह रामाला ने किया है। चौधरी साहब का सपना वेणुप्रवीण ऐसा नहीं साकार कर सकते। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, वे एक बार भी हालचाल लेने तक नहीं जाते हैं, एक भी बार हालचाल लेने नहीं गए, और वही गलती फिर से दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। जाटों का टिकट काट करके उन्हीं लोगों को फिर से टिकट देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने वहां पर सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, ये अस्वीकार्य है, नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सबसे मेरी अपील होगी, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसे ही कानून का राज बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करे, अगर आप चाहते हैं कि तुष्टीकरण की जिस नीति को सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर लागू करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, ये बंद होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सोती गन जैसे बुलडोजर चलते रहें, अगर आप चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, अगर आप चाहते हैं हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की ऐसी गारंटी मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं अन्नदाता किसानों का सम्मान होता रहे और उनका गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे होता रहे, अगर आप चाहते हैं कि सर्वत्र कानून का राज हो, आस्था का सम्मान हो, कावड़ यात्रा इसी सम्मान के साथ चलती रहे, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का सम्मान और उत्थान इसी प्रकार से होता रहे, तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। अपील एक ही, भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के अभियान को आगे बढ़ा सकती, मात्र भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में जानता हूं चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन तय की, उस गाइडलाइन के अनुसार यहां सीमित संख्या में लोग हैं। मैं देख रहा था बाहर भी, सड़कों पर भी, चारों तरफ हजारों लोग खड़े हैं। मेरी भी इच्छा थी उनके बीच में आने की, मैं तो रमाला जी को बहुत दिन से कह रहा था कि मुझे आना है छपरौली में। और भाइयों बहनों, मैं आज सबके बीच में इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप सब जानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा हम लोग बड़ी सभाएं नहीं कर पाएंगे, आप में से हर एक व्यक्ति को सहेंद्र सिंह रमाला बनना पड़ेगा, गांव गांव घर घर जाना पड़ेगा, मेरी अपील को उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर कमल के निशान पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा कोरोना कालखंड में दूसरा कोई दूसरा माध्यम नहीं, हर एक व्यक्ति को घर घर जाकर के जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप सोशल मीडिया में होंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी जिस भी माध्यम से हो सकता है, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके कमल के निशान के साथ जुड़ने की अपील उनसे करिए। और क्यों, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरा नहीं इसका विकल्प हो सकता। सबका कार्यकाल लोगों ने देखा है और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप इस पर करेंगे कि आप लोग सब मेरी बात से सहमत हैं, सभी लोग दोनों हाथ ला करके, उस सड़क के उस पार भी लोग हैं बड़ी संख्या में, मेरी उनसे भी अपील होगी, क्या वे लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।